उधर राहुल गांधी की अगुवाई में हुई विपक्षी दलों की बैठक में शिवसेना सांसद ने भी हिस्सा लिया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से उन्होंने कहा कि पेगासस जासूसी विवाद के अलावा महंगाई और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, स्पष्ट सरकार मौन है, लेकिन विपक्ष चुप नहीं रहेगा। सुनिए, क्या हुआ, क्या कुछ खास? हाँ, खास कुछ नहीं था, बहुत अहम मुद्दे थे जो देश की जनता के सामने लाना है। देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, फ्यूल प्राइसेस पे हो, राइजिंग प्राइसेस पे हो, किसानों के खिलाफ जो काम हो रहा है और नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इन सब मुद्दों पे सारी ओपोजिशन पार्टीज यूनाइटेड है और सरकार से मांग करेंगे कि इस पे चर्चा हो। रणनीति क्या आपको लगता है कि 14 विपक्षी दल इकट्ठा हुए, इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। आज देश के ने अगर सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी दी है तो विपक्ष को भी जिम्मेदारी दी है कि जहां जहां सरकार गलत जाए आप अपनी आवाज अहम तरीके से उठाएं और प्रखरता से उठाएं। आप सुन रहे थे शिवसेना राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वक्त है विपक्ष को एकजुट होने का, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार जो है संसद में विपक्ष की आवाज को नहीं सुन रहा है और यही वजह है कि विपक्ष एकजुट है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जनतंत्र टीवी के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जनतंत्र टीवी।